सीपीआईएम की पोलित ब्यूरो सदस्य वृंदा करात ने कहा कि झारखंड में प्रथम चरण के संपन्न चुनाव में बीजेपी के झूठ और जहर के ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स को जनता ने नकार दिया है और अगले चरण के चुनाव में भी यही होने वाला है। कहा कि अगर झारखंड में डबल इंजन की सरकार बनेगी तो यहां राज्य डबल लूट खंड बन जाएगा। दुमका के एक निजी होटल में मीडिया से बातचीत करते हुए वृंदा करात ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ की ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स देश को बर्बाद करने वाली पॉलिटिक्स है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी ने बांग्लादेशी घुसपैठ से संबंधित आंकड़े कोर्ट में पेश क्यों नहीं किया। ये लोग अडानी अंबानी के रखवाले हैं जो बटेंगे तो कटेंगे का नारा दे रहे हैं। वहीं दुमका में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये लोग झूठ और जहर के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं। इनके बजट में आदिवासियों के लिए जितनी बड़ी बड़ी बातें हैं वो जमीनी स्तर पर जीरो हैं। जितना कहते हैं वो खर्च करेंगे उसका आधा भी नहीं करते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट के साथी हैं वो तय करेंगे, जो बीजेपी को हरा सकते हैं उन्हीं को हम वोट देंगे। पहले बात तो ये है। दूसरी बात, जैसे एहतिशाम जी ने कहा, सबसे जिसको आधे आदिवासी कहते हैं उनके लिए हमने एक टिकट का हमने ये चयन किया, तय किया। अभी वहाँ जो हमने प्रचार सुना बीजेपी का, उन्होंने कहा हमने आदि आदिवासी आदम आदिवासियों के लिए बहुत कुछ किया। हकीकत बिल्कुल उल्टा है। अभी पिछले बजट में जो आंकड़े आए हैं मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। ये जो आदि आदिवासी ग्राम योजना के नाम पर पिछले बार 1485 करोड़ रुपया बजट में दिया गया, जो केवल 300 करोड़ रुपया देश भर में खर्च हुआ। तो नाम है 1400 करोड़ और खर्च हुआ केवल 300 करोड़। फिर आप आइए जनजाति जो योजना प्रधानमंत्री का, अभी ये सारे जहां भी झारखंड में जा रहे इसका वो प्रचार कर रहे हैं। हकीकत क्या है कि जहां उन्होंने कहा कि हम 20,000 करोड़ रुपया 5 साल में देंगे, पिछले बजट में केवल और केवल 240 करोड़ रुपया इन्होंने दिया। कितना खर्च करेंगे इसका भी कुछ पता नहीं। 256 करोड़ हमने दिया लेकिन बजट के कागज दिखाते हैं कि शून्य खर्च हुआ, शून्य। इसलिए हम कहते हैं जो बीजेपी का प्रचार इस बार चुनाव में है वो झूठ और जहर आधारित है। झूठ कि वो दावा कर रहे हैं जो कतई नहीं है, और ये झूठ है। और जहर इसलिए क्योंकि ये पूरा चुनाव घुसपैठियों के नाम पर ये लोग कर रहे हैं। और आज अमित शाह ने ये गारंटी की बात है वो और भी इसके बारे में जहर फैलाएंगे। तो झूठ और जहर ये बीजेपी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है और इसके खिलाफ हम लोग खड़े। एक और बात, जहां तक हेमंत सोरेन जी का सरकार का सवाल है, अभी जो आंकड़े दिखाते हैं कि 2015 से आज तक 14,000 करोड़ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के नाम पर इनको मिला, 14,000 करोड़। कहां वो खर्च हुआ है? आदिवासी इलाके में तो कतई खर्च नहीं हुआ। जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है उसकी विकल्प में कम से कम ये पैसा जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का आया है वो तो कम से कम आदिवासी, और उस सिर्फ आदिवासी नहीं, जो पूरे लोग वहां रहते हैं जो माइनिंग से प्रभावित हुए हैं, बिल्कुल नहीं। और तीसरी बात जो इस सरकार पर हमारे, जिसका हमने पूरा विरोध किया, कि कोल इंडिया ने वहां ये तय किया कि पूरा डीरेगुलेशन हो गया है, जितना भी संथाल परगना में माइनिंग और बड़े प्रोजेक्ट्स है उसमें कोई लोकल लड़का को गारंटीड एम्प्लॉयमेंट का कुछ अभी नहीं, क्योंकि सारी नौकरियां कॉन्ट्रैक्ट में आ, तो हमारे संथाल परगना के नौजवान कहाँ जाएंगे? यहाँ तो मेनली माइनिंग है ना, मेनली वो कंपनीज है जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं। और अगर स्थानीय नौजवानों के लिए
यहाँ कोई रेगुलेशन नहीं है नौकरी देने की, तो यहाँ क्या हालत है। हम लोगों ने अभी इस पूरे क्षेत्र में एक बड़ा संघर्ष किया, जिसमें कुछ इलाके गोड्डा में सरकार को मजबूर किया कि कम से कम लोकल लड़कों के लिए नौकरी के लिए वो उन्होंने लिखित हमें दिया। अब कहाँ वो करेंगे या नहीं करेंगे हम नहीं कह सकते। एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, जामा में हम लोगों ने उम्मीद की कि हेमंत सोरेन सरकार सबके समर्थन से कोई वैकल्पिक पॉलिटिक्स पेश करेंगे, लेकिन हमने यहाँ जामा में देखा कि जो दल बदलू की जो नीति भारतीय जनता पार्टी सब जगह अपना रही है, वहाँ उन्होंने भी ऐसे किया। जो कैंडिडेट उन्होंने वहाँ दिया है वो कल तो बीजेपी की तमाम जहर और झूठ की ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स के साथ जुड़ी हुई थी। मैं व्यक्तिगत कोई आरोप नहीं लगा रही हूँ, लेकिन हकीकत तो यही है ना, कल आप बीजेपी में हैं, आज आपको टिकट, जो टिकट आप चाह रहे थे आपको नहीं मिला, इससे आप तुरंत हेमंत सोरेन जेएमएम में आए और हेमंत सोरेन ने उनको तुरंत टिकट दे दिया, तो इसमें अंतर क्या है। तो यही है, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि यहाँ एक मजबूत आवाज उठे विधानसभा में, जो ये बीजेपी की झूठ और जहर की पॉलिटिक्स का सही मुकाबला बगैर समझौता किए